कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये मैं बना रही हूँ बैंगन की रेसिपी, मैंने देखी थी सारी जल गए। अदरक पी रही हूँ मैं इस वक्त, अदरक। हाय गाइस, 7 बजे की उठी हुई हूँ मैं सुबह से और हल्की हल्की बारिश चल रही थी। अब बारिश जो है बहुत तेज़ हो गई है, अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। वेरी नाइस। आज ठंड भी थी रात को, ना एसी लगा है और ना ही फैन लगा है, आई स्वेयर। क्या मस्त बारिश का मौसम हो रहा है। हाँ 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 हाँ, मज़ा आ गया। सी कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये बेचारे, इन पर थोड़ा थोड़ा पानी पड़ रहा बस ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की। कोई तो 10 मिनट हुए हैं बारिश होते हुए और ये देखो क्या हो गया। अगर तेज़ बारिश हो जाए तो यहाँ पर नाला बन जाता है, रेन फॉरेस्ट। ये है हमारा रेन फॉरेस्ट, छोटी सा रेन फॉरेस्ट। मैंने यार ये बाहर से तोड़ के थोड़ा सा इसका जो पोर्शन है वो लाया था, मनी प्लांट बोलते हैं इसको। इसके छोटे से 2-3 लीव्स तोड़ के लगाए थे पानी में और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी इसे। मुझे लगा था कि जब तक ये ग्रीन रहेगा तब तक मैं इसको रखूंगी, बट अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे इस वाले को तो पानी नीचे चला गया, लेकिन इस वाले में ये यहाँ पे एक शूट निकली है। अब ये आप मुझे बताइए कि ये इसकी रूट है या फिर ये क्या है, आई डोंट नो। एक और है जो इधर ऊपर है, यहाँ पे मुझे पहले दिखी ही नहीं क्योंकि बिल्कुल ऐसे पीछे है, दोनों में दिखी मुझे। आई थिंक ये रूट्स ही हैं। अब मैं इसको थोड़ा और भर देती हूँ क्योंकि उस वाले को भी पानी मिलना चाहिए। ये बड़ी वाली स्टेम को निकला है और ये छोटी वाली का तो एक ही पता था इसका क्या ही होना था, बेचारा मर ही गया लग रहा है ऐसा। बट दैट वन सर्वाइव्ड यार, सही में। अब आप मुझे बताओ कमेंट करके कि इसको लगाना कैसे है, मतलब इसको किस में मिट्टी में लगाऊं, क्या करूँ कि ऐसे ही रहने दो। इट्स बीन सो लॉन्ग, मेरा परसों एक एग्जाम था और अच्छा हो गया है, अभी और भी एग्जाम्स है मेरे। ऐसे जब भी मैं व्लॉग डालती हूँ तो मैं एक ही दिन का डालती हूँ तो वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा सा बड़ा व्लॉग डालूँ। आज बारिश हो रही है बहुत अच्छी, तो मुझे लगा कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। दिस इज व्हाट आई हैव, ब्रेन फॉग, कुछ भी नहीं है बोलने के लिए मेरे पास, तो मैं व्लॉगिंग कैसे कर सकती हूँ यार। व्लॉगिंग वो करते हैं जिसको इंसान को स्पॉन्टेनियसली उसको पता है उसको क्या बोलना है, उसको क्या करना है। आई एम लाइक फुल चिल मोड। आई एम वेरी ग्लैड कि यू लाइक दैट ब्लू टी। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं ब्लू टी या फिर कैमोमाइल टी ये जो है गर्म गर्म ही पीती हूँ, बट मैं किसी का ब्लॉग देख रही थी, उनका नाम मैं मेंशन कर दूंगी, मतलब ब्लॉगर ही है वो भी, उनके भी ब्लॉग्स बड़े मुझे अच्छे लगते हैं, ब्लॉग्स नहीं है क्वाइट काम जैसा मैंने पिछले बार डाला था। उसने उन्होंने क्या किया हुआ था, ब्लू टी को पहले उबाला, ब्लू टी को मतलब उबाला भी नहीं था, उन्होंने सिमर किया था वो भी थोड़ा सा, मतलब गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर उसको रखा, आइस में डाला उसको, फिर उन्होंने बीच में और भी किसी जैक फ्रूट का या तो कुछ किसी फ्रूट का ऐसे एक्सट्रैक्ट बीच में डाला था तो वो उसका फ्लेवर बनाया था उन्होंने। बट मैंने उसको सिंपल ही रखा क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ था, लेमन भी डाल देना है, फिर उसके बाद वाले जो दिन था उसमें मैंने लेमन नहीं डाला। तो मैं नहा के आ गई हूँ और इसके बाद मैंने अपनी ब्रेकफास्ट बनानी है, फिर उसको खाना है, फिर पढ़ना है और Nothing else. So, डोंट माइंड माई दवाई। अभी 3 बज रहे हैं, मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ और बाहर का मौसम देखो आप, मतलब लिटरली इट्स अमेजिंग। मोबाइल तो क्या ही कैप्चर करेगा इसको।
बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आई लाइक इट। और इस मौसम में मैं अपने लिए क्या बना रही हूँ ये देखिए आप। ये मैं बना रही हूँ बैंगन की एक रेसिपी, मैंने देखी थी ऐसे स्लाइसेस कट करके फ्राई वगैरह करके, और ये मैं राइस में डालने के लिए मैंने किया है। प्याज तो मेरा थोड़ा बहुत जल ही गया, पर इसी में बनाऊँ। सारे जल गए। देखो जी ये है मेरा डिनर, ये मेरे जले हुए व्हाटएवर जो भी है ये चुन चुन के खा लूंगी मैं। ये है कटी हुई पिसी हुई नहीं कटी हुई गाजर और पिसी हुई थोड़ी सी मिर्ची। दही डालेंगे इसमें। इस दही में मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है दही में, ज्यादा ही डाल देती हूँ। नमक तेज हो गया हो। ये है मेरा रायता। ये जो जला हुआ पोर्शन है कुछ बहुत कड़वा नहीं है, अच्छा है, तो ये खाया जा सकता है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनेगा। घड़ी खम्मा खम्मा घड़ी। एक्चुअली मैं लंच के बाद बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, लंच के बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गई, क्या हो गई यार, बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस लंच के बाद मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गई। और अभी मैंने एक वीडियो भी देखी वुमेन केव वाली, मतलब वैसे अपनी एक छोटी सी ऐसे स्पेस बनाना जहाँ पे आप छुप करके बैठ जाओ, और मैं यहाँ से बैठ के नज़ारे देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि मोटिवेशन कैसे एकत्रित की जाए वहाँ तक जाने के लिए। और उससे ही मुझे एक बात याद आई कि मैं मतलब ऐसे वीडियोस वगैरह देख रही थी, उसमें मतलब मुझे बड़ी रिलेट करी है बात कि मोटिवेशन इज़ द लास्ट स्टेप। जब भी हम कोई चीज़ करना चाहते हैं उसमें पहले चार कुछ और स्टेप होते हैं, फिर उसके बाद लास्ट जो होता है मोटिवेशन आता है। वो चार स्टेप मैं फिर किसी दिन आपको वापस से डायरी खोल के बताऊंगी। लेकिन मोटिवेशन आपको कैसे आता है, जब आप कोई भी काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, और आपको उसमें एक 1% भी कोई सक्सेस या फिर कोई अचीवमेंट का एहसास होता है कि हाँ मैंने ये लर्न कर लिया, या फिर मैंने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, या फिर कोई डील क्रैक कर ली है, पहली डील क्रैक कर लिया है, थोड़ा सा उसमें पॉजिटिविटी आ गई है, डील क्रैक होने वाली है, तब आपको आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन पहले ही आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और अगर बैठो यार मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही, मुझे मोटिवेशन चाहिए कोई काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए, शूट करने के लिए, तो वो नहीं आएगी। जैसे ही अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना, आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, उठ जाओ उसी टाइम वही काम जिसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए वो करना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक आपको वो पॉइंट नहीं मिलेगा कि आपको मोटिवेशन आए। जब आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, जब आपका पहला असाइनमेंट होगा, जब आपकी पहली डील क्रैक हो जाएगी, तब आपको नेक्स्ट करने के लिए मोटिवेशन आ जाएगी। लेकिन पहली बार थोड़ा सा पुश जो होता है वो आपको खुद ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। हर मुश्किल चीज़ जो होती है जिसका फ्रूट अच्छा होता है वो ज़बरदस्ती ही करना पड़ता है। आपको रोज़ मोटिवेशन मिलने ही वाली वाली बात। टाइम 6 बज रहे हैं और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है, लाइट्स मैंने बंद कर दी हैं और मैंने ये यहाँ पे चला दिया हुआ है। ये एक इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र है और ये अभी बहुत ज़्यादा मतलब गर्म हो रहा है। अभी इसके अंदर जो है आई थिंक एक बल्ब लगा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा इसको गर्म कर देता है। और मैं इसमें डालने वाली हूँ ये मेरे पास है पेपरमिंट ऑयल, एसेंशियल ऑयल है, ये मैंने अमेजोन से लिया था फॉर हेयर ग्रोथ। पेपरमिंट ऑयल और रोजमेरी ऑयल दोनों में लगाती हूँ एज एसेंशियल ऑयल्स, किसी कैरियर ऑयल में मिक्स करके बालों में। लेकिन ये पेपरमिंट ऑयल जो है इसकी जो खुशबू है वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने इसको ऑन किया और ये गर्म हो जाता है और इसमें मैंने इसके 2-3 ड्रॉप्स में डाल देती हूँ और इट स्मेल्स सो गुड। अब ये जो है धीरे धीरे इस कमरे में जो है खुशबू हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे ही थोड़ा बहुत लगा लूँ ना तब भी कमरा बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो जाता है, बट डिफ्यूज़र के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कमरे में जो है वो ये धुआं भी निकल रहा है। इससे वार्म लाइट्स जो होती हैं उनके अपने ही मज़े होते हैं, बिकॉज वार्म लाइट एक तो हम बचपन से यूज़ करते थे तो वो जो है वो आराम वाला जो सेंस होता है ना वो लेके आता है नॉस्टैल्जिया, और थोड़ा आंखों को भी मुझे लगता है आराम मिलता है बिकॉज
बहुत ज़्यादा हम वाइट कलर की लाइट यूज़ करते हैं ब्लू वाली, और मेरी आइज़ तो पूरा दिन जब मैं स्क्रीन देखती हूँ मेरी आइज़ रेड हो जाती हैं शाम तक। अगर मैं बाहर भी जाती हूँ शाम तक मेरी आइज़ रेड हो जाती हैं। मैं एक पिक्चर अटैच करूँगी, अभी रिसेंटली बाहर गई थी कुछ काम से और मैं 4-5 घंटे बाद जब वापस आई हूँ मेरी आइज़ की क्या हालत हो गई थी। मुझे पता नहीं ये होता क्यों है, क्या पता चेकअप कराना पड़ेगा इस चीज़ के लिए भी। आप मुझे बताओ कि आपको पता है कि इसके बीच में पेपरमेंट ऑयल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। वाह, इसके ना अभी ये कैमरा नहीं पिकअप कर पाएगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ना ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल, और मुझे ऐसे रोशनी में आते हुए ऐसे दिख रहे हैं थोड़े से। मन कर रहा है ऐसे बैठे रहूं, सी छोटे छोटे पार्टिकल्स, बट ये बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है एज कम्पेयर, मतलब मैंने सोचा था कि ये बहुत ज़्यादा देर रहेगा, आग तो नहीं लग जाएगी इसको। मैंने पहली बार नहीं डाला है सो इट्स गुड। ये मेरा सारा सामान पड़ा है जो मैं तभी निकालती हूँ जब मुझे शूट करना होता है। मैंने ऐसे बड़ा बास्केट रखा हुआ है और ऐसे छोटे छोटे बास्केट्स रखे हुए हैं, सब में मैं सामान भर के रख देती हूँ। डब्बियों से ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो मुझे बास्केट्स लगते हैं। बस बहुत हो गया, लेट्स गो फॉर अ वॉक। क्या लग रहा है कि इतनी रोशनी है कि मैं घर आऊँगी जब तब भी रोशनी हो? आई डोंट थिंक सो, बट एक छोटी सी वॉक लेने में क्या ही जाता है। सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं हुई है और बारिश ने क्या हालत कर दी है। मैं आ गई हूँ वॉक करके और मैंने अपने लिए ब्रेड, ब्रेड कितनी महंगी हो गई है यार, पनीर, पनीर कितना महंगा हो गया है यार, और क्या खाया मैंने, सॉस। देखो भाई सॉस तो मैं जिंदगी पूरी खाती रहूंगी। आज आपने देखा मैंने सॉस नहीं डाला अपने चीलों के ऊपर, मेरे को सांस नहीं आ रही थी उसके बाद। उसके बाद मैंने अपने लिए ये लाया है, दिस इज नो शुगर, पेपर बोट का है, जीरो नो कैलोरीज, ठीक है, जीरो शुगर है ये। मैं और ईशु दिल्ली में पीते होते थे, वहां पे तरह तरह के फ्लेवर्स मैंने ट्राई किए और सारे बहुत अच्छे, मतलब मजा आ जाता। और पिछली बार मैंने इसका फ्लेवर लाया, आई थिंक ग्रीन एप्पल लाया था मैंने इसका फ्लेवर, चाहती थी टेस्ट करना, कोई महीना हो गया उस बार, तो मैंने उसको पिया और उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत बुरा था। और ये वाला मैंने लाया लेमन सोच के, पर ये जिंजर लेमन है, ठीक है, लेमन सोच के मैंने लाया है, और लेमन वाला मैंने दिल्ली में पिया अच्छा। अब इसमें जिंजर लेमन है, इसमें अदरक जो मैं खाने में ना डालती डालती हूँ, जिंजर और उसकी पेस्ट डालती हूँ, लहसुन की और उसकी जिंजर की पेस्ट जो होती है। ये पी के ऐसा लग रहा है जैसे खांसी हुई होती है ना बहुत ज्यादा, तो हम वो अदरक का रस निकाल के बीच में हनी डाल के थोड़ा सा पीते हैं, और फिर पूरा ये जो नेजल एरिया है ना उस जो कड़वाहट से भर जाता है ना मिर्ची से, बस वही है। इट्स अ कफ सिरप, मैंने आज अपने लिए कफ सिरप लाई है, यू कैन ऑल्सो हैव इट, कार्बोनेटेड कफ सिरप। ना शुगर है इसमें, ना इसमें एस्पर्टेम है जो एक बुरा रिप्लेसमेंट होता है ना शुगर का, वो भी नहीं है इसमें। तो आई डोंट नो ये एक सेहत के लिए अच्छी है कि नहीं है, बुरी ही होगी, इतनी कोई बहुत अच्छी भी नहीं होगी, बट ओवर ड्रिंक नहीं करना है, ऐसी आज लाई हूँ आज के बाद नहीं लाऊंगी। पर ये फ्लेवर तो कतई ना पिए, ठीक है, अदरक पी रही हूँ मैं इस वक्त, अदरक। सो चीयर्स एंड बाय बाय।